नमस्कार दोस्तों, रेखा दास ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ पाइनएप्पल को कैसे आप घर में आसान तरीके से कट कर सकते हैं उसी का वीडियो शेयर करूँगी। तो आज का वीडियो देखिए, अगर आज का वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ा सा भी यूज़फुल रहा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल में अगर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने दो पाइनएप्पल ले लिया है। मैं दो तीन तरीका आप लोगों को दिखाऊंगी, जो आपको इनमें से अच्छा लगे आप उसी हिसाब से काट सकते हैं। तो पहले हम एक पाइनएप्पल को काटेंगे, तो चाकू ले लेंगे। उसके लिए ये जो ऊपर का पार्ट है इसे काट देंगे। देखिए नीचे का भी हिस्सा हम काट देंगे। दोनों पार्ट अलग कर लेने के बाद हम इसकी जो स्किन है इसे इस तरीके से काटेंगे। देखिए तो इसी तरीके से हमें पहले इसके जो ऊपर का स्किन है उसे निकालना है। स्किन को निकाल लिया है। देखिए अब हम पाइनएप्पल के जो ये आइस बने हुए ना इसे हमें काटना है। तो पहले हम इसके छिलके को अलग कर देंगे। अब हम पाइनएप्पल के जो आइस बने हुए हैं ना इसे काटेंगे। तो इस तरीके से हम चाकू से इसे अलग कर लेंगे। देखिए आप चाहे तो छोटे चाकू से भी कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हम आइस को पहले अलग कर लेंगे। इस तरीके से करने से क्या होगा, पाइनएप्पल में बहुत ही अच्छा एक डिज़ाइन भी आ जाएगा। देखिए एक कट हम एक तरफ से लगाएंगे और दूसरा कट हम दूसरी तरफ से। तो इसी तरीके से हम पूरे पाइनएप्पल में कर लेंगे। और थोड़ा सा हमारा पाइनएप्पल ख़राब निकला है, तो देखिए बस आप थोड़ा सा गौर से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैं किस तरीके से कर रही हूँ। बहुत ही आसान है। देखिए इससे एक एक डिज़ाइन भी बनता जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आज का वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा भी काम का लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साइड में जो बेल आइकन है उसे आप प्रेस करके रखेंगे तो जब भी मैं कभी नया वीडियो अपलोड करूँगी सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों के पास जाएगा। वैसे मैं एक दिन छोड़ के वीडियो अपलोड करती हूँ, तो आप देख सकते हैं किस तरीके से मैं काट रही हूँ। तो ऐसे में हमें पूरे पाइनएप्पल के जो आइस है इसी तरीके से हमें काट लेना है। और जो मैं दूसरा तरीका आप लोगों को दिखाऊंगी वो सबसे आसान है। इससे क्या होगा, डिज़ाइन अच्छा बनेगा और बच्चे खुश होकर खाएंगे। अगर आपको ये थोड़ा सा मुश्किल लगता है तो मैं आपके साथ दूसरा भी शेयर करूंगी अभी। तो इसी तरीके से मैं काट लूंगी पहले। देखिए पाइनएप्पल के जो भी आइस था उसे निकाल लिया है, अब हम इसे काटेंगे। तो बीच में से इस तरीके से कट लगाएंगे। देखिए ये जो बीच का सिरा है ना इसे हमें फेंकना है। तो इस तरीके से हम काटेंगे पहले। थोड़ा सा आप
टाइट हाथों से कीजिएगा, थोड़ा सा हार्ड होते हैं, तो इसे हम इस तरीके से निकाल देंगे। पहले दोनों ओर से कट लगाएंगे, बीच का ये सीरा निकालने के बाद हम इसे काट लेंगे। तो कटिंग आप अपनी पसंद के अनुसार यहाँ पे रख सकते हैं, तो मैं इस तरीके से स्लाइस कर रही हूँ। इसे साइड में प्लेट में रख देंगे हम। अगर आपको ये पूड़ा में बीज में से ये सीरा निकालना थोड़ा मुश्किल लगे तो इस तरीके से आप इसे काट सकते हैं। देखिए अब इसका जो सीरा है अच्छे से कट जाएगा। तो ये काट लिया है और इस तरीके से भी आप इसे काट सकते हैं। देखिए थोड़ा सा हम टेढ़ा रखेंगे और ये बीज का निकाल देंगे और इसे भी हम स्लाइस में काट लेंगे। और इसके जो स्लाइस है कुछ इस तरीके से है, तो इसे भी हम अभी साइड में रखेंगे। अब हम दूसरा पाइनएप्पल भी काट लेंगे। अगर आपको पहले वाला थोड़ा सा मुश्किल लगे तो आप इस तरीके से काट सकते हैं। तो वही है, पहले ऊपर का और नीचे के पार्ट को हम अलग कर देंगे। अब हम इसे सीधा बीज में से कट लगाएंगे। अब हम इसे बीज में से इस तरीके से काटेंगे और सेम उसी प्रोसेस से ये जो बीज का सीरा है इसे हम अलग करेंगे। देखिए अब हम इसे बीज में से इस तरीके से टुकड़ा करेंगे, जैसे हम आम काटते हैं ना, ठीक वैसे ही इस तरीके से हम इसमें पहले पीसेस कर लेंगे। पीसेस छोटे बड़े आप अपने पसंद के अनुसार रख सकते हैं। देखिए अब हम इस तरीके से अलग करेंगे। देखिए अब देख सकते हैं आइस नहीं है इसमें बिल्कुल। तो थोड़ा सा सावधानी के साथ कीजिएगा। देखिए जो पहले हमने स्टेप किया था वही स्टेप हम अभी भी करेंगे, लेकिन पहले हमने साबुत पाइनएप्पल के साथ किया था, अभी हम इस तरीके से दो टुकड़ा कर लेंगे, उसके बाद हम इसका स्किन निकालेंगे। इस तरीके से बहुत आसान होते हैं पाइनएप्पल को काटना। स्किन को निकालने के बाद हम ये जो आईज है इसे हम इस तरीके से काट के अलग करेंगे। सिंपल है, बस जहाँ जहाँ आईज है वहाँ इस तरीके से हम काट के अलग करेंगे। देखिए तो आईज को निकाल लेने के बाद हम इस तरीके से काट लेंगे और इसे हम पीसेस में कट करेंगे। चाहे आप पहले सीरा निकाल सकते हैं जैसे मैंने पहले दिखाया था।
और इसे हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के ये पाइनएप्पल कटिंग की वीडियो आप सभी को कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इनमें से कौन सा आप किस तरीके से काटना चाहते हैं वो भी आप मुझे बता सकते हैं। और ये देखिए, जो हमने पहले कटिंग किया था वो इस तरीके से डिजाइन में कटे हैं, और एक ये वाला, और जो लास्ट में हमने काटे हैं आसान तो है लेकिन कुछ इस तरीके से ये कटे हैं। इसमें थोड़ा सा ज़्यादा मुझे वेस्टेज लगा कि इसमें जो आइस निकालने का तरीका है उसमें एक्स्ट्रा हमारा पाइनएप्पल चले जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ये दो तीन तरीके में से कौन सा तरीका आपको पाइनएप्पल काटने का अच्छा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और आज का वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल में अगर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो नए वीडियो के साथ हम फिर से मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और चेहरे पे हमेशा स्माइल रखिएगा।